प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। और मेरा नाम सुनील राय है और मैं प्रभु यीशु मसीह की को जब ग्रहण किया, स्वीकार किया पहली बार, तो 2007 में जुलाई के महीने में 2007 में मैं पहली बार कलेसिया में गया और पालघर में महाराष्ट्र के अंदर। और वहाँ पर ऐसा हुआ कि कुछ घर के अंदर सभा चल रही थी, 20 या 25 लोग होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और वहाँ पर सभा चल रही थी, प्रभु की महिमा हो रही थी। और मैं पहली बार गया था और मेरा जाने का वजह यही था कि वहाँ पर मेरा जो लड़का बेटा जो था वो पैदा हुआ था जून में पैदा हुआ था, और 29 जून को। और उसके बाद है ना, वो बहुत बीमार रहता था, बहुत तकलीफ़ में रहता था और मैं भी बहुत परेशान था। कई बार हम डॉक्टर के पास जाते, कुछ लोग बोलते कि नहीं आप बाबा के पास जाओ, वहाँ लेकर जाओ, बहुत सारे भटक भटक कर हम परेशान हो गए थे। तो हम जाए तो जाए कहाँ, बहुत सारे पैसे खर्च हो चुके थे, कहीं से मदद नहीं मिल रही थी कि हम क्या करें, समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि हमारे घर में, परिवारों में शांति नहीं थी, कभी मैं बीमार होता था, कभी मेरे बच्चे बीमार, कभी मेरी वाइफ बीमार हो जाते थे और परेशान हो जाता था। फिर क्या हुआ कि देखिए, परमेश्वर की धन्यवाद हो कि वहाँ पर दो भाई लोग आए और कुछ प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताए और कुछ परमेश्वर के बारे में बताए, प्रार्थना किए और कुछ बच्चों के लिए, तो थोड़ा सा अच्छा हुआ। फिर वो लोग कलेसिया में बुलाए और जिस दिन कलेसिया में बुलाया, जुलाई में रविवार को, और वहाँ पर 20-25 लोग होंगे, वहाँ पर कम से कम कई सारे 150-200 से ज़्यादा ही लोग होंगे, पूरे गांव, कई सारे गांव के लोग आए थे, डंडे लेकर के आए थे और सब आकर के चारों तरफ से, घर के चारों तरफ से घेर लिए पहला ही दिन, और घेर लिए। और क्या हुआ, बस वहां पर पिक्चरों की तरह वहां पर एक सीन था कि आप जहां पर भी देखिए आप भाग नहीं सकते, वहां से चारों तरफ से घेर लिया। जो बजाते हैं ना वो ढोलकी, ड्रम सेट, कॉन्गो, उन सबको तोड़ दिया, पैरों से कुचल दिया, बाइबल को फाड़ रहा था, फेंक रहा था, जितने भी लोग थे सब मार रहे थे, घुसे मार रहे थे, लातों से मार रहे थे, यहाँ तक कि पैरों को ऊपर करके, सर को नीचे करके और पैरों से मार रहे थे, दौड़ दौड़ कर आते थे, पैरों से मारते थे, पंच मारते थे, बड़ी बेरहमी से लोग क्या कर रहे थे, मार रहे थे। किसको? जो लोग सभा में बैठे थे, जो यीशु की प्रार्थना में बैठे थे। और लोग सब गांव के, कई सारे गांव के लोग आए थे लाठी डंडे लेकर के, और सब मार पीट रहे थे। बहुत ही वो अलग ही वो समय था, और मैं बहुत ही देख करके, मतलब कि वो समय जब मैं देखता हूँ, याद करता हूँ कि वो कैसा होगा, मैं सोचने लगा कि यार हम सत्संग में गए, कई सारे हम सद्गुरु के सत्संग में बैठक में गए, आसाराम बापू के बैठक में गए, निरंकारी सद्गुरु निरंकारी में गए, तो कई सारे ऐसे बैठक में गए, कहीं सारे हम दरगाहों पर गए हैं, पर कहीं ऐसा नहीं हुआ। पर यीशु की प्रार्थना में जब आया तो ऐसा क्यों हुआ? वो लोग मार क्यों रहे भाई, इतना क्यों पर ये कर रहे हैं, और किसी के खून निकल रहे हैं कि कोई बहुत ही मत अद्भुत रीत से आप वो देख नहीं सकते थे, बस ऐसा सोचे कि वो पिक्चर चालू थी। और वहाँ पर क्या बच्चे क्या बड़े सब मार रहे थे, पीट रहे थे, किसी खून निकल रही थी और बाइबल फाड़ रहे थे, ढोलकी जो थे कांगो तोड़ फोड़ कर रहे थे। और ऐसा मैं सोच रहा था कि ऐसा क्यों है, और सच में परमेश्वर ने मुझे चुना था। वहाँ पर हमारी पहले दिन थी और ये सब कुछ देख करके मैं डरा नहीं, घबराया नहीं, और मैं जाने लगा कलेसिया में। और कलेसिया जाते रहा, मेरे बच्चे सब ठीक हो गए, परिस्थिति सब ठीक हो गई, घर की हालातें ठीक हो गई, और उसके बाद मैं धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं मैं फिर से प्रभु से दूर हो गया, क्योंकि मेरा काम हो गया, अभी मुझे किसी चीज़ की जरूरत नहीं थी। फिर मैं चला गया अपने रास्ते में, फिर क्या होता है, फिर से तकलीफें हुई, लेकिन कुछ भाई लोगों ने बोला कि आप प्रभु को छोड़ना, आप नशा करते हो, कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। फिर से बाइबल दिया उन्होंने, बाइबल पढ़ने लगा, पढ़ते पढ़ते, और एक नया नियम दिया गया था, नया नियम, हाँ, वो पढ़ने लगा, उसके अंदर बहुत सी बाइबल आई, पवित्र शास्त्र करके भी पढ़ने लगा। और उसके बाद ही था, मैं करीब 3 साल तक बाइबल पढ़ता रहा, बाइबल को छोड़ता रहा। ये बातें थी कि मैं किसी से बैठा नहीं, क्योंकि उसका आरोप होता था सब, और अच्छी
के अड्डे पे जाते थे, दारू पीते थे, और ऐसे हमारी ज़िंदगी थी। लेकिन बाइबल जब लिया, बाइबल लेने के बाद मैं तुरंत बदल नहीं गया। कैसा नहीं कि तुरंत मैंने मेरे जीवन बाइबल लिया और तुरंत मैं बदल गया, नहीं। 3 साल तक मैं कलीसिया भी जाता रहा, दारू भी पीता रहा, प्रभु को मानता भी था। कठिन था छोड़ना मेरे लिए, लेकिन मैं चाहता था कि प्रभु ये सब कुछ छूट जाए। और कलीसिया जाना नहीं छोड़ा, बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ा, बाइबल को जहाँ भी जाता था लेकर जाता था। और सच में परमेश्वर का वचन सत्य है, प्रभु हमारा जीवन बदलने के लिए आया है, हमारी धर्म बदलने के लिए नहीं। कई सारे लोग हमारे ऊपर आरोप लगा दिए, तुम तो ऐसा हो गए, तुम ऐसे हो गए। बहुत सारे दोस्त लोग थे, उन लोगों ने भी हमारे साथ छोड़ दिए, और उसके बाद मैं प्रभु को छोड़ा नहीं, बस जुड़े रहा। हाँ, नशा करता था, सब कुछ करता था, लेकिन मेरा विश्वास था कि प्रभु एक दिन सब कुछ छुड़ा देगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं प्रार्थना करते रहा, प्रार्थना करते रहा, और हर बार प्रार्थना करता था प्रभु। कई बार छोड़ देते थे, फिर से पीते थे, लेकिन प्रभु की धन्यवाद हो कि 2010 में मैंने कई सारे वचन मेरे हृदय में लगा कि हम परमेश्वर के मंदिर है और हमें परमेश्वर के मंदिर को ख़राब नहीं करना चाहिए, ऐसा परमेश्वर का वचन आया। फिर बाद में धीरे धीरे 2010 में, जनवरी 2010 में मैंने 23 जनवरी को मैंने मुंबई में वहाँ पर एक कुंड में हमने बाप्तिस्मा लिया, और वहाँ लेने के बाद हमारी जो उद्धार जो हुआ, उसके बाद में मैंने फिर से नशे में हमने नहीं गया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और फिर तभी से मैं बीमार नहीं हुआ, ये भी परमेश्वर की महिमा हो, क्योंकि उसके पहले मैं बहुत बीमार होता था, एडमिट होना पड़ता था, सलाइन चढ़ानी पड़ती थी, आज तक मुझे सलाइन नहीं चढ़ाई, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज तक परमेश्वर ने मुझे संभाल कर रखा है, और जब तक मैं धरती पर रहूँगा मुझे संभालेगा, और कोई बीमारी छू नहीं पाएगी, महामारी छूएगी नहीं, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि धार्मिक जन विश्वास से जिएंगे, और परमेश्वर का धन्यवाद हो जो अभी तक मुझे संभाला है। और हमें दवाओं पर अभी विश्वास नहीं होती है, बाबा के पास हमें जाने के लिए कोई विश्वास नहीं होता है। सबसे पहले तकलीफें तो आती है, परंतु हम घुटने टेकते हैं प्रभु के सामने और सारी समस्याओं का समाधान पाते हैं प्रभु यीशु के नाम से। इसलिए मेरी सारी नशा छूट गई, मुंह से गाली निकलना छूट गया, और प्रभु ने अद्भुत रीति से जब मुझे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तभी से बपतिस्मा लेने के बाद हर रोज़ प्रभु मुझसे बातें करता, प्रभु मुझे दर्शन देता, प्रभु मुझे दिखाता कि तुम्हें क्या काम के लिए चुना हूँ। प्रभु मुझे रोज़ बातें करता था, कभी किसी गाँव में जाता, बाइबल बांटता, कुछ लोग आते मुझे बोलते कि यहाँ पर आप प्रार्थना चालू कीजिए, यहाँ पर कुछ प्रार्थना करते वहाँ करता। वहाँ पर लोग जो नशे वाले लोग थे बदल जाते थे, उनका जीवन, जो ताश पत्ते खेलते थे उनका जीवन बदल जाता था। बहुत सारे रीति से कई सारे बीमार लोग चंगाइयाँ प्राप्त होते थे। मैं रात को सो नहीं पाता था, हर रोज़ बस प्रभु की बातें, प्रभु की सेवा, प्रभु की काम मुझे बेचैन कर देता था। और ये चीज़ें मुझे प्रभु सब कुछ दिखाते रहा कि मैं तुझे क्यों चुना हूँ। एक बार में बहुत सारे लोग, हमारे अपने लोग हमें दुखी करते थे, हमें तोड़ते थे, बहुत हमें परेशान करते थे, तभी मैं घुटने पे आता था, प्रभु मैं तो जब आपको नहीं मानता था मैं किसी से डरता नहीं था, आज भी नहीं डरता हूँ, लेकिन उस समय मैं पूरी तरह से निडर रहता था, आज मैं सुन के लेता हूँ, पहले मैं सुन के नहीं लेता था। अगर कोई एक गाली दे तो मैं 10 गाली देता था, लड़ाई झगड़े करना, यहाँ तक कि हम कराटे क्लास गए, वहाँ पर हमने कराटे क्लास सीखे, और हम किसी से डरते नहीं थे, बिल्कुल ही नहीं डरते थे, और हमने किसी का सुनना भी नहीं सीखा। लेकिन जब मसीह में आ गए तो प्रभु ने कहा कि एक गाल पर अगर तुझे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी दो, ऐसा करके हमने नम्र बनाया, प्रभु ने वचनों के द्वारा पूरी तरह से सॉफ्ट कर दिया, कठोर से हमें बदल दिया, और हमें नशा छुड़ा दी, गाली मुँह से छुड़ा दिया। ये परमेश्वर की महान हमारे जीवन में अद्भुत गवाहियाँ हैं, और यहाँ तक कि मेरे जीवन में अद्भुत तरह से परमेश्वर ने चंगाई चमत्कार किया, और प्रभु ने हमें सेवकाई, जब 2012 में लीडरशिप में हम आए, बपतिस्मा 10 में लिए, और 11 से लीडरशिप में आए, और 12 से हम हाउस चर्च चालू कर दिए, और प्रभु हमें इस्तेमाल करता गया, क्योंकि मुझे प्रभु सोने नहीं देता था, परेशान कर, मतलब बेचैन रहता, मैं रात को भी मैं वचन में ही मनन करता, वचन ही देखता, कहीं कहीं सेवकाई में जाता, कहीं कहीं सुसमाज देता, कहीं चंगाइयाँ होती, पूरी तरह से मैं
ये हो जाता, व्यस्त हो गया था। और परमेश्वर की सेवा का ही हाउस मीटिंग से चालू किया। जब मैं चालू किया था, तीन व्यक्ति तीन परिवारों से चालू हुआ था। और सच में हमने बहुत ही कठिन मेहनत किया, चप्पल घिस जाते थे, हमारे पास कोई सुविधा नहीं होती थी। इस एक जगह से दूसरे जगह, तीसरे जगह चल के जाना, कई बार हमारे हाथों में पैसे नहीं होते थे और हम सेवाओं में व्यस्त हो गए। कहीं पर भी कुछ तकलीफ होता, हम उनके लिए दुआ करने लगते, प्रार्थना करने लगते, सुसमाचार देने लगते, बाइबल बांटने लगते और पूरी तरह से अपनी सच्चाई से, ईमानदारी से हम प्रभु के साथ में हम छुड़ गए और प्रभु हमें अगुवाई करते गया। और आज भी प्रभु हमारे साथ में है और प्रभु हमें छोड़ा नहीं है। प्रभु ने एक अच्छा नाम दिया है, शांति जीवन सेवा, और उसमें प्रभु यीशु बहुत आय से लोग आशीष पा रहे हैं, बहुत सारे लोग चंगाई और उद्धार पा रहे हैं। तो ये अद्भुत रीति हमारा ही उद्धार नहीं परंतु हमारे घराने का उद्धार करेगा, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। हम एक उद्धार का सोता बन गए, चंगाई का सोता बन गए और ऐसा ही हम सबको बनाना चाहता है। तो आप बिल्कुल डरे नहीं, घबराए नहीं, आप कैसा भी हो परंतु परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। शायद कोई आपसे नहीं करता लेकिन प्रभु आपसे प्रेम करता है और प्रभु आपको ऊंचाई पर, स्थानों पर रखेगा। आपके ऊपर समस्याएं आती है, तकलीफें आती है, यहाँ तक कि मैं जब जॉब करता था तो वहाँ पर कुछ पैसे नहीं मिल पाते थे। कहीं जॉब करेगा वहाँ पर, कहीं पर मैं खुद निकल जाता, कहीं पर वो खुद मुझे निकाल देता, क्योंकि ऐसा होता था प्रार्थना का समय मैं एक भी छोड़ता नहीं था। आराधना का जो समय, विश्राम दिन को मैं पालन करता था, जो भी नियम से जो भी वनटेन होती थी उससे मैं दिया करता और हर चीज़ को मैं पालन करता, जैसा मुझे सिखाया जाता उस तरह से मैं करता था। और मैंने 110 देना छोड़ा नहीं, मैंने कलेसिया जाना छोड़ा नहीं, बाइबल पढ़ना छोड़ा नहीं। और प्रभु सच में वो वफादार है, वो सच्चा है, वो आपके उपकारों को नहीं भूल सकता। आपके काम व्यर्थ नहीं होते हैं जब आप प्रभु के लिए कुछ करते हैं। और आज भी मैं विश्वास करता हूँ कि आज भी परमेश्वर हमें अगुवाई करता है और बिना हम उसके अगुवाई के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मेरी बहुत सारी बड़ी गवाहियाँ हैं लेकिन मैं थोड़े में ही दिया कि प्रभु ने मेरे जीवन को बदल दिया। तो आप भी अगर नशे में हैं, व्यभिचार में हैं, पाप में हैं, बुराई में हैं, तो आप बिल्कुल घबराए नहीं, चिंता मत करें। हो सकता है आपके पति हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, सुनते नहीं हैं या नशे में हैं, तो आप धीरज धरिए, प्रभु पर विश्वास कीजिए। प्रभु सब कुछ कर सकते हैं, प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। जो मनुष्य के लिए कठिन है प्रभु के लिए संभव है। तो इसलिए आपको विश्वास करना है, धीरज धरना है और जब तक होता नहीं तब तक आप प्रभु को थामे रहिए, प्रभु सब कुछ करेगा। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।